देवता की जय। ज्ञान देवता की जय। ज्ञान देवता की जय। कोदंडवर्मा की जय। आज का दिन बड़े ही सौभाग्य का है। इस न्याय मंदिर के बन जाने से महाराज के जीवन का बहुत बड़ा मनोरथ सफल हो गया। नहीं पुरोहित जी, ये मेरे मनोरथ की ही सफलता नहीं, आर्य सभ्यता की भी सफलता है। इस न्याय देवता की स्थापना से मैं यही प्रकट करना चाहता हूँ कि आर्य जाति की विजय के साधन एक पल और दूसरा न्याय है। देख लीला, कितनी भारी कितनी बड़ी मूर्ति है। ये इन अनार्य लोगों का ही बूता है कि उसे जान पर खेल कर लिए जा रहे हैं। हाँ कुमारी जी, जान पर खेल कर ही। चालाक आदमी जो काम अपने को जोखिम में डालकर खुद नहीं करना चाहते, उसे वो बेजुबान जानवरों से कराया करते हैं। कितनी चोट लगी है बेचारे को, पर किसी का ध्यान नहीं। शोर कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। जाने दे मीरा, जा जल्दी से पानी ले आ। आप ये क्या कर रही हैं? ए, उठा दो इस दास को। नहीं, जब तक ये होश में ना आएगा मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। एक आर्य कन्या और एक अनार्य की सेवा करे। कुमारी जी, आपके इस काम से हम आर्यों के नाम पर पट्टा लगता है। देखते क्या हो, खींच लो इस कुत्ते को। खामोश। कुत्ता किसे कहते हो? क्या अनार्य मनुष्य नहीं होते? क्या हुआ? क्यों नाराज हो रही हो बेटी? पिताजी, देखिए क्या हालत हो गई है इस दास की। बेचारे ने अपने को खतरे में डालकर आपकी मूर्ति को बचाया, और आपके ये अधिकारी इससे जानवरों सा बर्ताव कर रहे हैं। शाबाश, आर्य कन्या को ऐसा ही न्याय पसंद होना चाहिए। अधिकारी, इस आदमी का जयंती की इच्छा अनुसार इंतजाम कर दो। नहीं पिता, यही वैद्यराज को बुलवा दीजिए। जयंती, ज्यादती अच्छी बात की भी बुरी ही कही जाती है। दिल की नरमी गुण होते हुए भी उसका फिजूल इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। पिताजी, अपने गाय घोड़ों को भी तनिक सी तकलीफ में देखकर आप बेचैन हो उठते हैं, और यहाँ एक मनुष्य, हम ही जैसा मनुष्य, हमारा ही काम करते हुए जख्मी हो गया, और आप उसके आराम की बात कहने पर दिल की नरमी का फिजूल इस्तेमाल कहते हैं। अच्छा अच्छा बेटी, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अधिकारी, राजवैद को यहीं बुलवाकर इस आदमी की मरम पट्टी करवा दो। अब तो खुश हुई ना बेटी? लीला,
जयंती को घर ले जा। पिता। जा बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। उत्तम कहाँ है? वो तो आपके प्रधान राजपुरुष ठहरे, उनके बारे में हम लोग क्या जाने। शायद गए होंगे नगर के छिपे पाप मदरा पान और जुओं का भेद लेने। आप ही ने तो उन्हें ये काम सौंप रखा है। हाँ, पर इस वक्त तो उसे यहीं रहना चाहिए था। क्या हुआ होगा उसका? किसके बारे में पूछ रही हो कुमारी जी? उसी बेचारे दास के बारे में। क्या उसके आराम का इंतजाम हुआ होगा? आपके दिल में बड़ा रहम है। नहीं, क्या तुम दासों में भी आपस में इतनी हमदर्दी होती है? कुमारी जी, एक साथ रहने वाले जानवर तक एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, तो क्या हमें जानवरों के बराबर भी सभ्यता नहीं है? हम उनसे भी गए बीते हैं। ऐसा क्यों कहती है नीला? क्या तुम लोगों को मैंने कभी असभ्य कहा है? नहीं कुमारी जी, हम लोगों पर तो आपके अनेक उपकार हैं। अच्छा रहने दे, भला बता तो वो जवान कौन था? तू उसके लिए बेचैन होकर एकाएक क्यों भाग खड़ी हुई थी? क्या बताऊं कुमारी जी, वो अभागा दास जीवन कभी हम अनारियों का युवराज था। युवराज था? तो वो दास कैसे हो गया? आर्यों के न्याय और बल की बदौलत। नीला, तू मेरा एक काम करेगी? क्यों नहीं, यही तो मेरा धर्म है। हम दोनों की मुलाकात का इंतजाम करा देगी। कुमारी जी, आपकी सगाई तो उत्तम से हो चुकी है, क्या आर्य कन्या का अपर पुरुष से मिलना ठीक होगा? ये क्या बक रही है? एक आर्य कन्या ने जो एक अनार्य पर दया दिखाई, तू उसका इस तरह उल्टा मतलब निकालती है? अब मैंने जाना कि पिताजी तुम लोगों के साथ क्यों कठोर बर्ताव करते हैं। माफ कीजिए कुमारी जी, दासी भूली। अपने जिस्म पर फिरने वाला प्यार भरा हाथ मित्र का नहीं मालिक का है, ये कभी कभी पालतू पशु भूल जाया करता है। नीला, नाराज हो गई? नहीं कुमारी जी। सच कहती है? तो चल, मुझे जीवन के पास ले चल। छक्का! पियो 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 मधुरस की भरी प्याली प्याली प्याली। पियो 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 मधुरस की भरी प्याली प्याली प्याली। पीते जो न बंदे आँखों के वो अंधे। पियो 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 मधुरस की भरी प्याली प्याली प्याली। पियो 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 मधुरस की भरी प्याली
प्यारी प्यारी। और जो इसको पीते हैं आप तरीके वीर बहादुर होते हैं। पीते हैं क्या कहा ठीक कहा। पियो 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 मधुरस की भरी प्याली प्याली प्याली। क्या मजा है क्या मजा है। धन्य है धन्य है। एक आप हैं के जीवन के इन सच्चे आनंदों का मजा लूट रहे हैं। दूसरा है कोदंडवर्मा। नीरस रूखा। ऐसा आदमी मुखिया ही कैसे हो गया। मैं तो यही सोच कर पागल हुआ जाता हूँ। पागल तुम नहीं मधुव्रत, वो कोदंड वर्मा ही पागल है। अब आगे को शौक भी हुआ तो बल और न्याय का। ये सब पाजी उत्तम के तरक्के का तो फैल है। ये बात बिल्कुल सच है। जहां उत्तम जैसे नालायक अधिकार के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए वहां जो भी अनर्थ न हो वही थोड़ा है। हम तो राज्य की उन्नति और अपना कर्तव्य पालने के लिए न रात को रात समझते हैं और न दिन को दिन। और फिर भी मामूली नौकर ही माने जाते हैं। अगर मैं होता कोदंड वर्मा की जगह मुखिया तो आप में से एक को बनाता प्रधानमंत्री और दूसरे को बनाता प्रधान सेनापति। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जयंती के साथ ब्याह हो जाने पर ये उत्तम ही मुखिया बनेगा। ये कभी नहीं हो सकता। और ऐसा होने भी न देना चाहिए। मैं भरसक आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। उत्तम के मुखिया हो जाने पर ये दास लोग फौरन बलवा कर देंगे और फिर आज के स्वामी उस दिन सेवक कहलाने लगेंगे। हर दुनिया में पाप गुलामी, हर दुनिया में पाप गुलामी, जिसमें जीवन है रोना, जिसमें जीवन है रोना, पशु सा पचमरना, पशु सा पचमरना, हर दुनिया में पाप गुलामी, हर दुनिया में पाप गुलामी, जिसमें जीवन है रोना, जिसमें जीवन है रोना, परतले है धरती जलती, परतले है धरती जलती, सिर पे धूप की आग बरसती, सिर पे धूप की आग बरसती, इससे कब छूटना, इससे कब छूटना। हमारे वो साथी भाग तो गए पर सही सलामत पहुंच भी गए होंगे। मुझे तो इसी में शक
क्यों न हो, आखिर तो राजकुमार का दिल ठहरा। इस गुलामी की हालत में भी अपने लिए नहीं अपनों के लिए परेशान हो रहे हैं। भूख प्यास की ना ले खबर कोई, भूख प्यास की ना ले खबर कोई, पैरों से थुकलाता हर कोई, पैरों से थुकलाता हर कोई, बेहतर है मरना, बेहतर है मरना। बाहर ये कौन गा रहा है? मधुव्रत, हमारे लिए तेरा सड़ियल गाना और दूसरों के लिए ये बढ़िया गाना। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेहतर है मरना, है लता आती है मेरा और गाती है गैरों के लिए। चंद रेखा ये लीजिए, आपकी मंशा पूरी कर दी। गाना, 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 गाना। सुना इन्हें फड़कता गाना। सुना सुना। मुझे ना भेजो नदी किनारे, मुझे ना भेजो नदी किनारे, मुझे ना भेजो नदी किनारे, सिर पे भारी गगरे, सिर पे भारी गगरे, पथरीले पटरे, पथरीले पटरे, हिया देख भारे किनारे, हिया देख भारे किनारे, मुझे ना भेज। ए छोटी, रोती सूरत क्यों बना रखी है? मधुरत, हमें रोना पसंद नहीं है, हमें तो तुम्हारी चल चलाती मधुभरी मदिरा के सफेद झागों की तरह मुस्कुराते मुख का सुंदर संगीत चाहिए। हाँ हाँ, जो चाहेंगे वही पाएंगे। मुझे ना भेजो। गाओ, मजे से गाओ।
प्रेम से गाओ, आनंद से गाओ। मुझे ना भेजो नदी किनारे, मुझे ना भेजो नदी किनारे, मुझे ना भेजो नदी किनारे, सिर पे भारी गगरे, सिर पे भारी गगरे, पथरीली पटरी, पथरीली पटरी, हिया देख पारे किनारे, हिया देख पारे किनारे, मुझे ना भेजो नदी किनारे, मुझे ना भेजो नदी किनारे, गरजे कारे ये कहां से टपक पड़ा? इसे ही तो भेदिए का काम सौंपा गया है। ओ हो, आप आइए आइए। क्या आपको ये पसंद है? अपनी सेवा के लिए चाहते हैं इसे? बड़े खुशी की बात है। इसे आप शौक से खरीद सकते हैं। है तो ये मेरे उपहार घर की शोभा, पर आपके लिए ना नहीं कहूंगा। बहुत ही कम कीमत है इसकी। जा लता, तेरा नसीब जाग उठा। कितना गाफिल है मधुवरत। अंधे, तुमने उत्तम को अंदर ही क्यों आने दिया? हमें तो बर्बाद किया। अब वो सब कुछ कोदंडवर्मा को बता देगा। डरने की कोई बात नहीं जनाब, बल्कि वो हमारे हाथ में है। लता को ले जाकर भला वो आज की बात कहीं बतला सकता है? लेकिन अगर वो दोबारा आ गया और हमें यहां देख लिया तो? एक तो वो आ ही न सकेगा, अगर आ भी गया तो विश्वास कीजिए कि उसको यहां किसी न्याय वृत्त का निशान भी न मिलेगा। जाओ, अब तुम आजाद हो। जयंती, तू यहाँ? हाँ, आप भी तो यही हैं। मैं तो अपने काम पर आया हूँ। हाँ, मैं यही देख रही हूँ। नहीं जयंती, तुम भूलती हो, मैं यहाँ का भेद लेने आया हूँ। वाह, आपने खूब भेद लिया। नीला, तुझे तो समझना चाहिए था, तू इन्हें यहाँ क्यों ले आई?
मैं तो हुकुम की ताबेदार ठहरी। जयंती मेरे साथ चलो। मुझे तो साथी की जरूरत नहीं। नीला मौजूद है, दूसरे किसी को साथी की जरूरत हो सकती है। देखो जयंती, इस मनमानी का अच्छा नतीजा ना होगा। खूब, अब आप भेदिये से ज्योतिषी भी बन गए। कहा ना मैंने तुझसे तू आजाद है, फिर मेरे पीछे क्यों? अब तुझे क्या चाहिए? कह दिया ना तू गुलामी से आजाद है, जा जहां तेरी मर्जी हो। क्या ऐसी गंदी जगह में भी आदमी रह सकते हैं? हाँ, अब यही हमारे युवराज का राजमहल है। राजकुमार, आर्य कन्या आपसे मिलने आई है। हैं, ये क्या करते हो? उठने की कोई जरूरत नहीं है, उससे तुम्हारे घाव पर जोर पड़ेगा। जानते हो युवराज, जब आप मूर्ति उठाते वक्त बेहोश हो गए थे, उस समय आर्य कन्या ने ही आपकी संभाल की थी। आर्य कन्या, मैं आपका एहसान मंद हूं। एहसान मानने की जरूरत नहीं वीर, वो तो मनुष्य का कर्तव्य था। हाँ, ये तो बताओ, अब तुम्हें आराम है ना? आपकी दया है, लेकिन आराम गुलामी में। इस तरह दिलगीर न हो, आखिर तो तुम्हारे पास भी शरीर है, बल है, बुद्धि है। लेकिन हमारे किस काम के? आदमी हमेशा आशा पर ही जीता है। जब सारी जिंदगी दूसरों के हाथों बिक चुकी तो आशा की गुंजाइश ही कहां। राजकुमार, आर्य कन्या का हृदय बड़ा उदार है, वो हम लोगों को इस हालत से छुड़ाने की कोशिश करना चाहती है। ये इनकी मेहरबानी है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। हम गुलामों के लिए हमदर्दी की एक ही बात दुनिया की हजार नेमतों से बढ़कर है। लेकिन मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वो अपने सुखी जीवन को हम अभागों के लिए दुख में न डाले। हारे हुए पराधीन गुलामों के दुख और जरूरतें, जीतने वाले स्वाधीन मालिक लोग कभी महसूस न कर सके। कुमारी जी, है
फिर यहां क्यों? मैंने तो कह ही दिया कि अब तू किसी के गुलाम नहीं है, जा जहां तेरी मर्जी हो। जहां जाने की मर्जी थी वहीं तो आई हूं, जबरदस्ती की गुलामी छूट गई लेकिन खुद पसंदी की गुलामी अटूट है। लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं चाहता। ये क्या कर रही है? अपना धर्म। पिंजरे में बंद रहा पक्षी छूट जाने पर भी पिंजरा ही पसंद करता है। लता, तूने गुलामी को ही अपना धर्म क्यों मान लिया? विषय वृक्ष से लता क्यों लिपटी? अपनी पसंद के वृक्ष से लिपटने के लिए लता हरदम आजाद थोड़े ही होती है। लेकिन अब तो तू आजाद है, फिर अपने घर अपने लोगों में क्यों नहीं जाती? मेरा घर, मेरे लोग, कितना सुख था वहां, कितनी मौजें थी उस जिंदगी में। कुदरत की खुली गोद खेलने के लिए, वन नदी पर्वत घूमने के लिए, किसी का डर नहीं, किसी की गुलामी नहीं, खुशी से गाओ नाचो और मनाओ जंगल में मंगल। मंगल जंगल में रहता है, मंगल जंगल में रहता है, माँ कुदरत के अंचल में सुख शांति सोत बहता है, मंगल जंगल में रहता है, डालों में फल भरे थान ने, डालों में फल भरे थान ने, पेड़ खड़े चहूं पेड़ खड़े अमृत जल झारे भर झरने, अमृत जल झारे भर झरने, मचा रहे हैं शोर, मचा रहे हैं शोर।
है मंगल जंगल में रहता है नदी तट पर फूलों के भार से नदी तट पर फूलों के भार से झुकी बेल की डार झुकी बेल की डार कर सिंगार दर्पण में जो मुख कर सिंगार दर्पण में जो मुख लखते सुंदर नार लखते सुंदर नार कलकंठी पंछी कल कल कर कलकंठी पंछी कल कल कर गाते हैं पर्वत पर गाते हैं पर्वत पर वन देवी वन में मिला नाचे वन देवी वन में मिला नाचे वायु बीन की गत पर वायु बीन की गत पर जिंदा हुआ हूँ इसीलिए देवता की पूजा करने आया हूँ मेरा लाल बीमारी से आराम होकर उठा है देवता की इस पर दया हुई है तो क्या तुम राजकुमार जीवन को मरा हुआ समझते हो नहीं नहीं वो जिंदा है आर्यनगर में हम ही लोगों के साथ थे क्या वो जिंदा है गुलाम हो गए राजकुमार से हाँ बेचारे बड़ी तकलीफ में हैं सुनो सुनो देवता के अनन्य भक्तों सुनो आज हम यहाँ अपने इष्ट देव की पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं आज का ये दिन तुम्हारे जीवन में एक महान शुभ दिन है ऋतु के अनुसार पैदा होने वाले फल फूल अनाज इनकी सेवा में भेंट करने का दिन है
चलो जल्दी करो, शराब जल्द और बहुत तैयार करो। मधुव्रत के ग्राहक माल के लिए चिल्ला रहे हैं। फिक्र न करो मालक, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं और देवी के अनारिया भक्त बहुतेरे फल फूल आपकी शराब के लिए भेंट चढ़ा रहे हैं। अब देर ही क्या है, देखो कितनी शराब तैयार हो रही है। प्रभु का चमत्कार तुमने देखा है, दुनिया के सारे देवता इनके आगे हेज हैं, इन्हीं की पूजा से तंदुरुस्ती चाहने वालों के रोगों का नाश होता है, संतान चाहने वालों को संतानें मिलती हैं। इन पर विश्वास लाओ, ईमान लाओ, ये अपने भक्तों को दिव्य दृष्टि देते हैं। मैं इन्हीं की कृपा से आज यहां पर खड़ा खड़ा संसार का सारा हाल बता सकता हूं, लेकिन सावधान, ये देखो मैं जो कह रहा हूं वही बादलों की गरज के साथ देवता खुद कह रहे हैं। तुम लोगों को बहकाने वाले, बुरे रास्तों पर ले जाने वाले पापी भी कम नहीं हैं। की बातों में ना आना, वे नास्तिक हैं, अपने स्वामियों के साथ विश्वासघात करके आए हैं। वे सब जगह हैं, यहां भी हैं, उनसे छूत के महारोग की तरह दूर रहना चाहिए। हमारे प्रभु पर जो विश्वास नहीं लाते, भक्ति नहीं करते, वे राजा के सिंहासन से नीचे गिरकर नरक के दुख भोगते हैं। तुम अपने राजा शंभू की याद करो। इस गुलामी में शायद राजसुखों की याद आ गई दिखे है। खत्म कर इस लड़कपन को। उठ, नदी के किनारे मदिरा के पीपे आ पहुंचे हैं, चल उन्हें निकाल। अब तेरे हाथ में राजदंड नहीं है, काम में कोताही करने पर सिर पर कंघी डंडा पड़ेगा। कौन? मधुरत जी, आइए आइए। कहिए कैसा चलता है कारोबार आपका? धड़ल्ले से, नगर बस जाने से गुलामों की मांग बेहद बढ़ गई है। ऐसा कोई आर्य नहीं बचा जिसे मदिरा और जुए का चस्का न लग गया हो। पर एक बात बुरी हुई, अधिकारियों को हमारे इस न्याय विरुद्ध काम का पता लग गया। क्या? इस आफत से चालाकी के साथ आंखों में धूल झोंककर बचना चाहिए। चालाकी के साथ आंखों में धूल झोंककर, इसी तरह न? मूर्ख महाजन, ये दास तुम्हारे पंजे से छूटकर कैसे निकल भागे? तुम्हारी इस गफलत से मैं तो आज आफत में फंस गया था।
पास के गुलामों की तो संभाल हो ही नहीं सकती, और गुलाम चाहिए। और गुलाम चाहिए? मधुव्रत, मैं काफी गुलामों का बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन गलती माफ कीजिए, अब ऐसी भूल न करूंगा। शराब और गुलामों की मांग पूरी होते ही फिर तो आर्यनगर की सारी दौलत और हुकूमत अपनी ही समझना। चिल्ला और चिल्ला, लेकिन भूखी कटी हुई जुबान से एक भी शब्द साबित नहीं निकलेगा। क्या शंभुक महाराज यहाँ? चल 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 चल। हाय हाय, ऐसी बुरी हालत हो गई हमारे महाराज की। भाग गए थे ना, पर भाग कर रहते कहां? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां जान बचा सकते? ये गुलाम कैसे भाग गए थे? अच्छा, दोबारा ऐसी भूल न हो। इन्हें भी दाग दो। ले जाओ इन्हें। तुमने भागने की कोशिश ही क्यों की? जाल में फंसे पक्षियों में से एक पक्षी का उड़ने की कोशिश करना बेकार है। उड़ेंगे तो सारे ही पक्षी जाल को साथ लेकर उड़ेंगे। पर ये भागना बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। इस कोशिश में हमने आपके पिता अपने शंभुक महाराज को देख लिया। मेरे पिता? कहाँ देखा तुमने? आर्यनगर और जंगल की सरहद पर। वो जीप काट कर बोलने से लाचार कर दिए गए हैं। क्या यही आर्यों का अन्याय है? एक तरफ तो ऐसा अन्याय और दूसरी तरफ न्याय देवता का मंदिर खड़ा किया जाता है, गला फाड़ फाड़ कर उसकी महिमा बखरा ली जाती है। न्याय देवता की जय, न्याय देवता की जय। दुनिया से अन्याय, पाप और अपराधों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए शासन की, हुकूमत की जरूरत है, और उस शासन के नियम न्याय की नींव पर बनने चाहिए। न्याय जाति समाज अपनों बेगानों किसी का विचार नहीं करता। मैंने ये न्याय देवता का मंदिर इसी सच्चाई को फैलाने के लिए स्थापित किया है। अगर आप न्याय के सच्चे पक्षपाती हैं तो हमारा न्याय कीजिए। महाराज की न्याय संदेश में बाधा पहुंचाने वाले इन गुलामों को यहां से मारकर निकाल दो। क्या यह न्याय मंदिर न्याय चाहने वालों को मारकर निकाल देने के लिए ही बना है, जिसकी नींव हम अनायों की लाशों पर रखी गई है, जिसका हर पत्थर
हमारे खून के गारे से जमाया गया है, जिसके खंभे हमारे ही हाड़ों से बनाए गए हैं, उसी मंदिर में हमारे लिए खड़े होने के भी जगह नहीं, क्या यही आर्यों का न्याय है? खबरदार, इन्हें अपनी फरियाद करने दो। जयंती, भाइयों, जहां न्याय है वहां ही जय है, और हम आर्यों की जय का आधार बल है। जयंती, आज की तेरी हरकत मुझे कतई पसंद नहीं आई। अनारियों के लिए तेरी ये हमदर्दी कभी न कभी तुझे निश्चय ही आफत में डाल देगी। तो हुआ ही क्या पिता, आफतों से ही तो आदमी की सच्ची परख होती है। पर जानबूझकर आफतों में पड़ना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? फिर तू ठहरी स्त्री, तेरी सगाई उत्तम से हो चुकी है। तो स्त्रियों की पवित्रता ही आर्यों की सभ्यता का आधार है, इसलिए खानदान को खालिस रखना हमारी जाति की हर औरत का फर्ज है। और मर्दों का? मर्दों का भी है, लेकिन औरत औरत है और मर्द मर्द ही। तो एक आर्य अगर एक अनार्य जाति की स्त्री से शादी कर ले तो वो अच्छी न होने पर भी कुदरती है, और ऐसी शादियां विजयी लोगों को अपनी बढ़ती के लिए मजबूरन करनी पड़ती हैं, इसलिए वो धर्म है। ये बात तो पुरुष और स्त्रियों का धर्म एक नहीं है। उत्तम के लिए जो धर्म होगा वो मेरे लिए अधर्म होगा। तुम नौजवानों की समझ भी बड़ी अजीब होती है। अरे पगली, ये बातें शास्त्रों की हैं, व्यवहार उसमें दखल नहीं दे सकता। आ उत्तम। तू 100 बरस तक जी, इस वक्त तेरी ही चर्चा हो रही थी। तुझे सौंपा हुआ काम कहां तक हुआ? मेरे सामने कहते हुए शायद शर्माते हैं। अच्छा, मैं जाती हूं। शर्म को जब उसके रखने वालों ने निकाल फेंका तो आखिर कोई तो उसे आसरा देगा ही। ठीक है, उसने अच्छा आसरा खोजा। जयंती, ये क्या झमेला है? उत्तम, तू क्या सदा जड बना रहेगा? पता क्या खबर है? माफ कीजिए महाराज, जब तक यहां जयंती है मैं कुछ भी ना कहूंगा। ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। उत्तम, आखिर बात क्या है? ये जयंती से ही पूछिए। नहीं, पिता आपसे पूछ रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं कहना। शायद वो कहने की बात ही ना हो। हाँ हाँ, वो नहीं ही कहने लायक है। भाई मैं तो परेशान हो गया। महाराज, जुए और मदरा के पापों का भेद लेने के लिए मैं कुछ दिनों को बाहर जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिएगा। लेकिन अब तक तूने क्या किया? मैं कर ही क्या सकता था, हर जगह तो मुझे रुकावटें रोकती है। अगर मैं कहीं भेद लेने जाता हूं तो ये बात पहले ही फूट जाती है। कोई मुझे खबर देने आता है तो वो मार डाला जाता है। इन बातों से पता चलता है कि हम ही लोगों में हमारे दुश्मन हैं, हुकूमत के खिलाफ छिपी साजिशें हो रही हैं। मैं इनका पूरा पता लगाने के लिए और ज्यादा अधिकार चाहता हूं। और अधिकार? आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा, ये ले नया अधिकार पत्र, पर याद रहे ये तेरे लिए आखिरी मौका होगा।
अगर इस बार भी तू नाकामयाब हुआ तो तेरी तरक्की की सारी उम्मीदें धूल में मिल जाएंगी। मतलबी दुनिया, ये किसके प्रेम की पूजा हो रही है? किसी के नहीं, पिंजरे की कैसे छोटी चिड़िया आजादी के हवा में पर फड़फड़ाते हैं। मुझे ना बहकाओ लता, ये गाना आजाद चिड़िया का चहकना नहीं बल्कि दासी रानी बनने का सपना देख रही है। क्या मतलब? तू आजाद हो गई पर तेरे हजारों भाई गुलामी की जंजीरों में अभी तक जकड़े हुए हैं, और तुझे आजादी देने वाले हाथ उनकी जंजीरों को और भी मजबूत बनाने वाले हैं, ये ना भूल। नहीं नहीं, मेरे उत्तम ऐसे नहीं हैं। तेरा उत्तम क्या वो आर्य नहीं है? क्या वो कोदंड वर्मा के बल और न्याय की आड़ में होने वाले जुल्मों की पीठ ठोकने वाला नहीं है? तेरे लिए अपनी जाति को छोड़कर क्या वो हमारी जाति का सगा बनेगा? नीला नीला, तो मैं क्या करूं? मन को बस में कर, सांप चाहे जितना सुंदर हो पर वो हार की तरह गले में नहीं पहना जाता। नीला, उनके मुझ पर बड़े बड़े एहसान हैं, मेहरबानी करके मेरे सामने उन्हें इतने बुरे बोलों में याद न करो। पगली, तू शायद नहीं जानती कि उत्तम तेरा नहीं जयंती का है। दूसरों की चीज छीनना हम अनारियों का धर्म नहीं है। हम देह से भले ही गुलाम हों पर मन के आजाद हैं,
लेकिन तू अपने मन को भी गुलाम बना रही है, अपनी जाति से, अपने युवराज से बगावत कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी ना होगा। तो उत्तम को अपनी मोहब्बत में भुला, उसे पागल बना, खुद पागल मत बन। अपनी जाति की भलाई को सदा याद रख। युवराज और अपनी गुलाम जाति को छुड़ाने के लिए उत्तम से फायदा उठा। उत्तम को भुलाऊं, उसे फंसाऊं? नहीं, ये मुझसे कभी न होगा। तो तू खुदगर्द है, पापनी है, अपने सुख के लिए अपने भाइयों की हत्या करनी है, जान डाली राक्षसी। लीला, लीला, बालन बैठे पर्वत चोटी पे, मालन बैठे पर्वत चोटी पे, छोड़े सर्द सांस भर खुशबू वै 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 वै, छोड़े सर्द सांस भर खुशबू वै 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 वै, बैलों वाला हो मत वाला, बैलों वाला हो मत वाला, खड़ा ताकता वै 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 वै, खड़ा ताकता वै 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 वै, उसके नाज की बोरी गिर गई, उसके नाज की बोरी गिर गई, फिर भी उसकी नजर फिरी नहीं, फिर भी उसकी नजर फिरी नहीं, बोली मालन, बोली मालन, बोली बोली पागल उधर देखा तू वाई 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 वाई, मालन बैठे पर्वत चोटी पे, मालन बैठे पर्वत चोटी पे, छोड़े सर्द सांस भर खुशबू है। ठहरा इन बैलों को, मधुव्रत इन पर क्या है? अनाज है सरकार, धान गुलामों के लिए ले जा रहा हूं। झूठा, मैं इनकी तलाशी लूंगा। मुझे शराब का शक है, नगर के आर्य लोग तेरे यहां से ही शराब पाते हैं। क्यों क्यों एक गरीब पर झूठा इल्जाम लगाते हैं सरकार? हुजूर, इन घड़ों में तो सिवा दानों के और कुछ भी नहीं दिखाई देता। अच्छा तो छोड़ दो, ले जाने दो। जब अधिकारी ही प्रजा के साथ इस तरह जुल्म करने लगेंगे तो चलाओ बैलों को, चलाओ चलाओ चलाओ। हुजूर, मुंह क्या देखते हो, चलो। ये क्या करती है,
मेरे क्या हाथ पैर नहीं है? जा, मैं अपना काम आप कर दूंगा। कैसी आफत है? क्या मेरी कुछ भूल हुई? कुछ नहीं। वाह, अच्छा तमाशा है। कुछ लोग अपने को क्या चाहिए ये तक नहीं जानते। बस बकवास बंद कर। जो हुक्म सरकार। नीला, जरा चल तो मेरे साथ। कहाँ? उसी राजकुमार के पास। क्यों? बेचारी की तबीयत का हालचाल तो लेना चाहिए। वो तो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन समझी, खुद ही गैर सा कुछ लेने गई लेकिन खुद का ही कुछ गंवा आई। कुछ क्या? दिल। नीला चल ना मेरे साथ। कुमारी जी, कुएं को प्यासे के पास जाने की क्या जरूरत? अगर वो आना चाहेगा तो उसे मैं ले आऊंगी। चमकती हाथ की चूड़ी चमाचम, चमकती हाथ की चूड़ी चमाचम, पंजनिया पैर की, पंजनिया पैर की, पंजनिया पैर की, बोले चमाचम, चमकती हाथ की चूड़ी चमाचम, चमकती हाथ की चूड़ी चमाचम। वो बोली बिस्पिला दो मुझको लाके, वो बोली बिस्पिला दो मुझको लाके, जिगर को छेदते हैं बोलबा के, जिगर को छेदते हैं बोलबा के, बोलबा के, खड़ी जल बीच प्यासी हूँ तरसती, खड़ी जल बीच प्यासी हूँ तरसती, अभागी हूँ न बदली भी बरसती, अभागी हूँ न बदली भी बरसती। चमकती हाथ की चूड़ी चमाचम, चमकती। हाय ये दिल छीन लीना इस परी नाचने। होशियार, सरकारी लोग। सरकारी लोग।
आइए आइए आइए, क्या सेवा करो आपकी? यहाँ की तलाशी लो। आखिर बात क्या है? आप ही मालूम हो जाएगी। रोको मत, तलाशी लेने दो। आप किसके हुक्म से तलाशी ले रहे हैं? ये देखना मेरा काम है। लेकिन आप मेरे धंधे को चौपट कर रहे हैं। परवाह नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ। हाँ हाँ, कैसा अंधेर होने लगा इस राज्य में। मैं अभी महाराज के पास न्याय कराने जाऊंगा। कुमारी जी, वो आ गए। आ गए? कहाँ है? बाहर दरवाजे पर। दरवाजे पर क्यों? आइए राजकुमार। राजकुमार, आप मेरे साथ इस तरह बर्ताव क्यों करते हैं? मैं गुलाम हूँ। नहीं, आप मेरे अतिथि हैं, मेहमान हैं। आइए बैठिए। आपके बिना बैठे मैं कैसे बैठ सकता हूँ? लीजिए, मैं बैठ गई। कहाँ बैठते हैं? फिर मुझे भी आपके पास जमीन पर बैठना पड़ेगा। कुमारी जी। हाँ हाँ नीला, आर्यों के लिए अतिथि देवता और गुरु से भी बढ़कर हैं। लेकिन मैं तो ये नहीं भूल सकता कि मैं एक गुलाम हूँ। पर मैं तो गुलाम जीवन से नहीं, राजकुमार जीवन से बातें कर रही हूँ। राजकुमार जीवन? वो तो कभी का मर चुका। तो हुआ ही क्या, वो फिर जिंदा हो सकता है। कैसे? दूसरों के दुखों से परेशान रहने वाले राजकुमार की समझ में वो ना आएगा। उसके लिए अपनी हस्ती की याद रखने वाले आदमी का दिल चाहिए। गुलामी में अपनी हस्ती और आदमियत की याद से फायदा? तो आदमियत की हत्या करने वाली गुलामी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी जिंदगी आजाद बनानी चाहिए। किसके भरोसे पर? मेरे। मेरी मदद से तुम आजाद हो सकते हो। हाँ, हो सकता हूँ, लेकिन किस लिए? किसके लिए? अपने लिए, मेरे लिए, प्रेम के लिए। प्रेम? कुमारी जी, आप मुझे प्रेम के जादू में न फंसाइए। हम गुलामों से आपकी बड़ी हमदर्दी है, आप हमारी भलाई चाहती हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। लेकिन मैं इस बराबरी के नाते को मंजूर न करूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी कोशिश में नाकामयाब हुई तो न सिर्फ मैं बल्कि मेरे सारे गुलाम भाई बेमौत मारे जाएंगे। आप तो जानती ही हैं कि हम अभागों को फरियाद भी नहीं करने दी जाती, और हमारे मालिक आर्यों की झूठी बातें भी न्याय मान ली जाती है। महाराज, महाराज, मेरा सत्यानाश हो गया।
आपका सच्चा हितकार्य बर्बाद हो गया। क्या हुआ मधुव्रत, किसने बर्बाद किया तुझे? कैसे कहूं महाराज, अगर ऐसा अन्याय मेरे साथ में होकर किसी दूसरे के साथ हुआ होता तो मैं खुद विश्वास न करता। महाराज, आपका मधुव्रत तो बिना मारे मर गया, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। बोल मधुव्रत, न्याय के वक्त कोदंड वर्मा अपने बेटे को भी माफ न करेगा। मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरा कोई कुछ भी न बिगाड़ सकेगा, यहां तू निडर है। तो सुनिए महाराज, आपके उत्तम ने ही मुझे सताया है। क्या कहा, उत्तम ने? हाँ महाराज, उन्होंने मुझे बदनाम किया, मेरा धंधा चौपट किया, मुझको झूठमूठ गुनाहगार बनाया। लेकिन उत्तम के तेरे विरोधी होने का सबब कैसे बताओ महाराज? वो आपके होने वाले जमाई, आपकी लाडली लड़की के वर, और मैं भला किस खेत की मूली। बोल महाराज, मेरी दासियों में से लता नाम के एक अनार्य कन्या पर उनकी नजर पड़ गई थी, उसे उन्होंने मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। क्या ये सच है? हाँ महाराज, उत्तम ने लता को अपने घर में रख छोड़ा है। मेरे धान के बैल बीच रास्ते में रोक कर उनकी तलाशी ली और आज हथियारबंद सिपाहियों के साथ मेरा घर घेर लिया। जा, उत्तम को इसी वक्त मेरे सामने हाजिर कर। आदमी भेजने की कोई जरूरत नहीं महाराज, मैं खुद हाजिर हूं। उत्तम, तुझ पर मधुव्रत बहुत से भयानक अपराध लगा रहा है। अपराधी का अधिकारी पर अपराध लगाना स्वाभाविक है। मधुव्रत अपराधी? क्या तेरे पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो अभी तक नहीं पा सका। हाँ, शक और शुबे बहुत है। खाली शक करके बिना सबूत शांत प्रजा को सताना अधिकारियों का कर्तव्य नहीं। तूने मधुव्रत की एक दासी को भगाया है ना? भगाया नहीं महाराज, उसकी कीमत चुकाकर उसे इसके जुल्मों से छुटकारा दिलाया था। वो दासी आजकल तेरे घर में है? हाँ महाराज। तेरे चरित्रवान होने का मैं विश्वास करता था, तेरी नेक नियति पर यकीन करता था, नगर के पाप दूर करने का काम तुझे सौंपा था, पर तू खुद ही पापी है। महाराज, मैं सरासर बेकसूर हूं। चुप! मैं तेरे अधिकार छीनता हूं, तू गाफिल है। अब मैं ही नगर के पापों का पता लगाऊंगा। मधुव्रत, मेरे अधिकारियों से तुझे जो नाहक तकलीफ उठानी पड़ी उसका नुकसान मैं पूरा कर दूंगा। आगे से तुझे कोई भी सता ना पाएगा। महाराज की जय, महाराज के न्याय की जय। महाराज, राजभवन से कोई गुलाम निकल रहा है। पकड़ो उसे। तू कौन है? महाराज, ये तो मेरा गुलाम जीवन है। वहां किस लिए गया था? मुलाकात करने। अनार्य होकर आर्यों के राजभवन में तू किससे मुलाकात करने गया था? महाराज, मुझसे। तुझसे? तू कौन है?
यही है महाराज वो मेरी दासी अनार्य कन्या लता, जिसे उत्तम छीन कर ले गए थे। झूठ, सरासर झूठ। महाराज, उत्तम ने इसे मेरी कीमत चुका दी थी। मैं अपनी मर्जी से उनकी सेवा करती हूँ। और अब इस अनार्य जवान से छिपकर मुलाकात करती है। उत्तम, देखा है सनारी कन्या का चरित्र? हाँ महाराज। और आर्य कन्या का भी। मधुव्रत, ले जा अपने इस गुलाम को। पिता, लता झूठ बोलती है। जीवन मुझसे मिलने आए थे। तुझसे मिलने? और ये गुलाम, तेरा उससे वास्ता? झूठी। पिता, विश्वास कीजिए। नादान लड़की, हर जगह अपनी रहमदिली दिखाने आ जाती है। ये गुलाम रहम के काबिल नहीं। पिता, जीवन एक राजकुमार है। मधुव्रत ने उसे धोखा देकर गुलाम बनाया है। ये कैसा इल्जाम? पिता, मधुव्रत की मक्कारी पर यकीन न कीजिए। जानते हैं ये गुलामों को कहां से लाता है? मुझे इन फालतू बातों से कोई मतलब नहीं। ये गुलाम राजभवन में बिना अधिकार घुसाने का अपराधी है। लेकिन ये अपराध उसका नहीं, मेरा है। ये मैं नहीं मान सकता। इसने एक आरी कन्या को बदनाम करने के लिए ही महलों में प्रवेश किया। मैं इसे सजा दूंगा। क्या यही आर्यों का आदर्श न्याय है? जीवन को मैंने बुलाया था। बस जयंती, अब काफी लड़कपन हो चुका। नीला, ले जाए इसे। ठहर। उत्तम, इस गुलाम को मैं तुझे सौंपता हूं। जब तक इसकी सजा का इंतजाम न हो, तब तक इसकी निगरानी तुझे करनी पड़ेगी। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? चोर पर ही खजाने के रखवाले। इस बार की गफलत से तेरी इज्जत और जान दोनों पे खतरा आएगा। खबरदार, फिर किसी औरत के जाल में न फंस जाना। सरकार, जिस तरह आपने इस दासी को मुझसे खरीद लिया था, उसी तरह इस दास को भी खरीद लीजिए। नीला, अब हम क्या करें? बेचारा जीवन मेरे ही कारण आफत में पड़ा। किस्मत कमजोर को ही सताया करती है। लेकिन कुछ भी हो, जो पैर आगे बढ़ चुका है वो पीछे नहीं हटाया जा सकता। हम जीवन को जरूर छुड़ाएंगे। काम आसान नहीं है। पिता से हट करके फायदा न उठा सकोगे। न सही, मैं भी तो उसी बाप की बेटी हूँ। ऐसा अन्याय मैं कभी न होने दूंगी। तू मेरा एक काम कर, गुलामों के बाड़े में जाकर सबको जीवन की गिरफ्तारी का समाचार दे दे।
प्रजा के लोगों में कोदंडवर्मा के खिलाफ नाराजगी तो काफी फैल चुकी। अब रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उत्तम को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी बाकी है। ये भी मुश्किल नहीं है। क्यों ना उसे कोदंडवर्मा के हाथों ही मरवा दिया जाए। वाह, अच्छी चाल सोची। मैं तुमसे यही कहने आया था। कोदंडवर्मा ने जीवन को उत्तम के हाथ सौंपते हुए कहा है कि इसके खो जाने से तेरी जान और इज्जत दोनों ले ली जाएंगी। बस उत्तम जीवन को कोदंडवर्मा को वापस करे कि इससे पहले ही उसे उड़ा लिया जाए। इससे हम उत्तम पर अपना गुलाम भगा देने का इल्जाम आसानी से लगा सकेंगे। और इस अपराध पर कोदंडवर्मा उत्तम को खुद ही मार डालेगा। लता महाराज के सामने आज तू झूठ क्यों बोली? कुमारी जी, उस वक्त मौका ही ऐसा था। शायद तूने मुझ पर अपना एहसान जताया। एहसान कैसा? वो तो मेरा फर्ज था। फर्ज का ढोंग क्यों रचती है? मैं तो तेरे रास्ते का कांटा हूं। कांटा नहीं, फूल। फूल क्या मतलब? मतलब यही कि जिसे मैं इज्जत की नजरों से देखती हूं उसकी इज्जत आपकी इज्जत से है। तेरे वो कौन है? राजा। राजा? तो तू अपने उन राजा की और भी भलाई कर सकती है। भला मेरी ऐसी खुशकिस्मत। आप आज्ञा कीजिए। तो सुन, वो तेरा राजा उत्तम के हाथ में है और उत्तम तेरे हाथ में है। उत्तम के जरिए तू अपने राजा के छुटकारे की कोशिश कर। क्या? क्यों, क्या हुआ लता? कुछ नहीं, मैं समझी आप उत्तम की भलाई के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। समझी। तब तूने उत्तम की इज्जत की फिक्र की थी। तुझे अपने सच्चे राजा जीवन की भलाई की कोई फिक्र नहीं। ऐसा क्यों कहती हैं कुमारी जी? जीवन के लिए तो मैं जान तक दे सकती हूं, पर इस बारे में मैं उत्तम के साथ विश्वासघात न कर सकूंगी। तो तू फर्ज से मोहब्बत को बड़ा समझती है? ये मैं नहीं जानती। जानती इतना ही हूं कि उत्तम ने गुलामी से छुटकारा दिलाकर मुझे एक आजाद दिल दिया है। उस दिल में जज्बे दिए हैं। अब आप मेहरबानी करके मेरी बेशकीमत दिल की दौलत को बर्बाद न करें। तुम्हें जीवन के छुटकारे में तुझसे कुछ भी मदद नहीं पा सकती। दिल की दौलत लता, अकेली आजाद होकर तू अपने दूसरे भाइयों की गुलामी की तकलीफ भूल गई। पेट भर के खा चुकने वाले ने भूखों का ख्याल छोड़ दिया। प्रेमी के लिए प्रभु को ठुकराती है। तो मैं क्या करूं? वही कर जिसे मैं एक बार बता चुकी हूं। प्रभु के लिए प्रेमी को भुला, उत्तम को फंसाकर जीवन को छोड़ा। नहीं नहीं, ये मुझसे कभी ना होगा। होगा, जरूर होगा। सारी जाति तुझी से उम्मीद रखती है। अगर तू इस उम्मीद को पूरा ना कर सकी
तो लानत है तुझ पर, तेरे प्रेम पर, तेरे जीने पर। पर ये मैं किस तरह कर सकूंगी? जिस तरह जयंती ने कहा है, उत्तम को भुलावे में डालकर उसे कैद खाने की ताली ले, जीवन को छुड़ा, अपना फर्ज पूरा कर। लता लता, तू आज महाराज के सामने झूठ क्यों बोली थी? अपने राजा के लिए। और इस वक्त किसके लिए झूठ बोल रही है? अपने राजा के लिए। तू भी एक खासा तमाशा है। क्या तू अपने राजा को इतना चाहती है? हाँ। हाँ। क्या हुआ उसका? किसका? जीवन का। उसे अभी कैद में डाल के आया हूँ। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? जरूर। क्या चाहती है? एक बार जीवन से मिलना। ये कौन सी बड़ी मांग है? ये ले ताली। अगर मैं इससे तेजा फायदा उठाऊं? मेरा तुझ पर पूरा विश्वास है। लेकिन अपने पर मुझे तो पूरा विश्वास नहीं। पगली कहीं थी। मेरा तुझ पर पूरा विश्वास है। मुझ पर विश्वास है। विश्वास है। नहीं, मैं उनके इस विश्वास के साथ कभी घात न करूंगी। पर जीवन को छुड़ाना मेरा फर्ज है। लेकिन मैं उत्तम को धोखा नहीं दे सकती। तो मैं क्या करूं?
क्या करूं? कौन? अनारी राजा शंभूक, तुम्हारी ये हालत किसने की? जीवन कैद हो गए हैं। क्या? चलो उन्हें जेल छुड़ाओ। भाइयों, आजादी के लिए आगे बढ़े हुए अपने पैर को अब पीछे न हटाना, यही तुम्हारे छुटकारे का सुनहरा मौका है। ये क्या, जीवन भाग गया? नीला, तू यहाँ क्यों आई? ये गुलाम यहाँ किस लिए? जीवन को छुड़ाने के लिए। कहाँ है जीवन? मुझसे पहले तुझे मालूम होना चाहिए। नहीं, जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपा गया था, तुम्ही ने उसे गायब किया होगा, तुम ही उसके लिए जवाब दे हो। कहाँ है जीवन? ठहराओ, पकड़ो उसे। कुमारी जी, जीवन गायब हो गए। गायब हो गए? मधुवरत भी तो गायब है। तुम उसकी छिपी हुई जगह जानते हो, चलो मेरे साथ। नीला, तुम ही लोगों के अगुआ बनो, सबको लेकर जंगल में पहुंचो। चलो। डाल दो इसे भी यहीं। मरने दो बाप बेटे को एक ही साथ। शंभूक, 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 कौन? महाराज कोदंडवर्मा?
आप यहाँ? हाँ, लेकिन तू यहाँ किस लिए? शंभू कौन है? महाराज, मैं यहाँ जिस लिए आया हूँ उसे सुनकर आप मुझे इनाम देंगे। उत्तम ने आपके साथ विश्वासघात किया, लता की मोहब्बत से मजबूर होकर उसने जीवन को छोड़ दिया। क्या? हाँ महाराज, पर आप निश्चिंत रहिए, मैंने उसके काम पर पानी फेर दिया। जीवन मेरे कब्जे में है। मैं आपको यही समाचार देने यहाँ आया था। जब तू जानता था कि मैं यहाँ हूँ तब मुझे देखकर चौंका क्यों? जीवन कहाँ है? वो मेरे साथ ही है। तुझे मालूम है जीवन कौन है? हाँ महाराज, वो मेरा एक गुलाम है। इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। शंभूक, शंभूक, पिता, मालूम हुआ मधुव्रत, अनार्य राजा शंभू और उसके पुत्र जीवन की ये हालत तूने और तेरे साथियों ने की है। तू आर्य अनार्य दोनों का शत्रु है, बागी है। बागी तू है, सांप के फन पर पैर रखकर तू जीता नहीं रह सकता। तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। आज से तेरी हुकूमत और दौलत का मालिक मैं हूं। मारो इसे। जयंती। पिता, जीवन अपना काम पूरा नहीं हुआ। चलो पिता, अभी पापी मधुरत का एक साथी और है। देवता के भक्तों, अपनी अपनी भेंट चढ़ाने और पाप शुद्धि के काम को शुरू करो। काम को शुरू करने से पहले मेरी शंकाओं का जवाब दीजिए। शंका किस लिए? जब श्रद्धा ही जीवन का मूल है तब शंका की क्या जरूरत? ये सत्यानाशी विचार हुआ ही किसे? किसे शंका है? तुझे कौन बोल रहा था? मैं बोल रही थी। तू कौन? मैं कोई भी हूं, पर तुझ पर ये इल्जाम लगाती हूँ कि तू देवता के नाम की आड़ में इन अज्ञान भोले आदमियों की चिढ़ाई का बेजा फायदा उठाता है। इनका देवता तेरा कपट है, इनका अज्ञान है। तूने ही शंभू का धोखे से सत्यानाश किया। युवराज जीवन को तूने फरीब से गुलाम बनाकर आर्यनगर में बेचा। आजाद अनारों को मधुरत के हाथ बेचकर तू ही उन्हें गुलाम बनाता है। लेकिन आज खामोश। देवता के भक्तों, इस पगली लड़की की बातों पर ध्यान न देना। अगर मैं अपनी शांति छोड़कर
देवता की प्रार्थना करने लगूं तो इसी वक्त प्रलय आ जाएगा। पर तुम मेरे संतान हो, संतानों का सत्यानाश बाप नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये बर्दाश्त करता हूं। याद रखो, शंभू का और जीवन मेरी प्रार्थना और देवता की कोप से ही नष्ट हुए। नहीं, जिंदा है, देख दोनों को। कौन? शंभू, जीवन, कोदंडवर्मा? पकड़ो पकड़ो उसे, भागने न पाए। देवता के नाम पर जुल्म करने वालों को मैंने मार डाला। तुम्हारे राजा शंभू और युवराज जीवन को तुम्हें वापस भी दे दिया। युवराज जीवन की जय, महाराज कोदंडवर्मा की जय। छुपो छुपो, महाराज कोदंडवर्मा की जय की अभी कोई जरूरत नहीं। आर्य नगर में अभी तक बहुत से अनार गुलाम बाकी हैं, आपको उन्हें भी छुटकारा दिलाना चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता, वो लोग अपने अपने मालिकों की संपत्ति हैं। किसी की आजादी छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। आपको उन गुलामों को जरूर छुटकारा दिला देना चाहिए। ये असंभव है। जीवन, आजादी मांगी नहीं ली जाती है। जयंती, वो देखो, अपने बल से आजाद हुए तुम्हारे वो भाई इधर ही आ रहे हैं। उत्तम, ये कैसा गोरख धंधा? जीवन, हमने अपने दुश्मन आर्यों से बखूबी बदला ले लिया। क्या उत्तम, ये पाप तूने अपनी आंखों से देखा और अब खड़ा उसे सुन भी रहा है? एक अनारी कन्या के प्रेम में फंसकर अपनी जाति से विश्वासघात करने वाले पापी। मैंने एक स्त्री के प्रेम में पड़कर अपनी जाति से विश्वासघात किया, ये असत्य है। असत्य है? अपनी आंखों से देखकर भी मैं तुझे सच्चा मान लूं? हाँ महाराज, उत्तम सचमुच सच्चे हैं। उन्हें यहां मेरे जाति भाई पकड़ कर लाए हैं। औरतों की बात पर मोहब्बत के दीवाने यकीन कर सकते हैं। अगर तेरा ऐसा नारी कन्या पर प्रेम न होता तो तू मेरे सामने कैदी की शक्ल में ना आता। तू चुप है, इसी से मेरी बात की सच्चाई साबित है। मैंने तुझ पर विश्वास किया, जीवन को तुझे सौंपा, लेकिन तूने मेरे विश्वास का घात किया, उसे छोड़ दिया। एक अनारी स्त्री की मोहब्बत का शिकार बन गया। तू अपनों का शत्रु, सगों का घाती, नालायक है, अकल के अंधे। देख, उसी लता ने सारे गुलामों को बागी बना दिया। आर्यों की सभ्यता के आदरणीय चिन्ह न्याय देवता के मंदिर को मस्मार कर डाला, और आज उसी की वजह से तू यहां कैदी की शक्ल में खड़ा है। फिटकार है तेरी जिंदगी पर, फिटकार है तेरी मर्दानगी पर। लता, 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 उत्तम, मुझे छूकर अपने को नापाक न बनाओ। लता बहन, ये तूने क्या किया? कुछ नहीं, हम अनार्यों के भी हृदय है,
हम भी प्रेम कर सकते हैं। अपने प्रेम के लिए मैं अपने राजा उत्तम की कीर्ति पर बदनामी का धब्बा न लगने दूंगी। उत्तम उत्तम लता, परवाह न कर, दुनिया कुछ कहे, मेरा तुझ पर विश्वास है। क्या आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं लता को सचमुच प्यार करता हूं। जीते जी जो नहीं सुन सकती थी वो मरकर सुना। हे भगवान, ये सब सुनने के लिए मुझे बार बार मरने का मौका दे। बेचारी भोली लड़की, उसने सच कहा, प्रेम से प्रेमियों की उन्नति ही होनी चाहिए। आ उत्तम, चल जयंती, अब हमारे नगर को वापस चलें। और जीवन? वो यहीं रहेगा, हमारी छत्र छाया में रहकर अपने पिता और अपनी जाति की सेवा करेगा। हमारियों से पाए ज्ञान से अनारियों को सभ्य बनाएगा। तो पिता, मैं भी यहीं रहूंगी, मेरा उस पर प्रेम है। हाँ, इसीलिए तू उसे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आजादी दे दे, तभी तेरी इस अनारी कन्या से बढ़कर कुर्बानी समझी जाएगी। जीवन, तू अपनी जाति का होने वाला राजा है। अनारी बंधुओं, अपनी जाति की स्त्री का हक मारकर दूसरी जाति की स्त्री से प्रेम करने वाले युवराज को क्या तुम अपना राजा बनाओगे? बोलो बोलो, ये चुप रहने का वक्त नहीं है। नहीं, 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 नहीं। सुना जयंती, क्या तू जीवन की हानि कराने के लिए तैयार है? जीवन, तुम्हारा क्या मत है? मैं तो प्रेम का मतलब प्रेम ही समझता हूं। तुम्हारे इस मत के लिए तुम्हारी जाति के लोग तुम्हें नहीं चाहते, और मुझे भी यही मत पसंद होने से मैं भी अपने पिता के पास जाना नहीं चाहती। आओ जीवन, अब हम एक ऐसे संसार की रचना करें जो न आर्यों का हो और न अनार्यों का। पगली लड़की, ऐसा संसार इस पृथ्वी पर कहां होगा? जहां आप जैसे भेद पसंद व्यक्तियों की दृष्टि नहीं पहुंच सकती,
जहां जमीन और आसमान मिलकर एक हो जाते हैं, वहां उस क्षितिज के पार, वहां क्षितिज के पार, पगली अगर तू हजारों वर्ष भी चलती रहे फिर भी वो स्थान तेरे हाथ ना आएगा। कुछ परवाह नहीं, उस संसार पर जिनका विश्वास होगा वो हमारे साथ आएंगे।